हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाने वाले हैं एक पॉपुलर स्वीट डिश, खाजा, जो मुंह में डालते ही घुल जाता है। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा यम्मी। ऐसी टेस्टी माउथ मेल्टिंग खाजा के लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा। उसके अलावा ये है शक्कर, ये भी 2 कप है, और 1/4 कप चावल का आटा है। उसके अलावा कुछ पिस्ता है गार्निशिंग के लिए, 4 इलायची, और हम लोग 1 पिंच नमक इस्तेमाल करेंगे ताकि जो मीठा है वो बैलेंस रहे। उसके अलावा घी और तेल तलने के लिए। सबसे पहले एक तड़का पैन में मैं 2 टीस्पून घी को गरम कर रही हूँ। ये घी से हम लोग मोयन लगाएंगे। अभी मैंने घी गरम होने रख दिया है और एक मिक्सिंग बाउल में 2 कटोरी मैदा ले रही हूँ। इसी कटोरी से हम लोग सारी चीज़ें काउंट करेंगे। मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 पिंच नमक। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। अभी गरम किया हुआ घी मोयन डाल के मैं 1-2 सेकंड के लिए इसे ढक दे रही हूँ। उसके बाद ढक्कन निकाल के इसको मैं हाथ से एकदम अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इसको हमें मिक्स करके हाथ से मुट्ठी बांध के देखना है। अगर इस तरीके से मुट्ठी बन रहा है मतलब मोयन परफेक्ट है। मैंने घी का मोयन लगाया, आप चाहो तो ऑयल या डालडा भी यूज़ कर सकते हो। ये खाजा हम लोग एकदम हलवाई स्टाइल में बना रहे हैं। अभी मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एकदम सॉफ्ट आटा बना लिया है। आटा बन के रेडी है। अब मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख रही हूँ, तब तक के हम लोग चाशनी बनाते हैं। अभी मैं सेम उसी कटोरी से 2 कटोरी शक्कर ले रही हूँ और 1 कटोरी पानी डाल के इसे अच्छे से पिघलने देते हैं और उसे चाशनी बना लेते हैं। इसकी चाशनी हमें कंप्लीट एक तार की नहीं बनानी है, मतलब एक तार से जस्ट पहले वाला कंसिस्टेंसी। आप देख सकते हैं ये एक तार नहीं बना, एक तार से पहले वाला कंसिस्टेंसी है। बस ऐसे ही हमको सिरप बनाना है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है इलायची। इसमें 1/4 जितना नींबू स्पून से 1/2 स्पून नींबू का रस डाल के अच्छे से मिक्स करके ढक के रख दे रही हूँ। अब हम देखते हैं आटा। आटा 10 मिनट बाद काफ़ी अच्छे से सेट हो गया है। अब इसको मैं एक बार और गूंथ रही हूँ। चाशनी में नींबू का रस डालने से उसमें क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, इसलिए नींबू का रस डालते हैं। अगर नींबू नहीं है तो आप विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। 1/2 स्पून विनेगर डाल देना। अब मैं इस आटे के 8 इक्वल पार्ट बना रही हूँ, मतलब 8 इक्वल मैं गोले बना रही हूँ। 4 को मैं रख रही हूँ साइड में। अब इन 4 गोले में से मैं एक एक गोला उठा के इसके मैं रोटियाँ बनाऊँगी, जैसे हम लोग नॉर्मल चपाती बनाते हैं उसी तरीके से। थोड़ा थोड़ा मैदा लगा के इसका हम लोग एक पतला चपाती बना के रख लेते हैं। ये खाजा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा माउथ मेल्टिंग है। अब ये रोटी बन गया है, इसको मैं निकाल के इसी तरीके से बाकी के 4 रोटी बना लेती हूँ। ये खाजा आप किसी भी फेस्टिवल में बना सकते हो, बना के अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ खा सकते हो, फ्रेंड्स को एज अ गिफ्ट भी दे सकते हो। जैसे दिवाली में हम लोग गिफ्ट देते हैं, उसमें भी आप पैक करके दे सकते हो। ये एकदम जैसे हम लोग मार्केट से खरीद के लेकर आते हैं बिल्कुल वैसे ही बनने वाले हैं। अब एक एक करके मैंने 4 चपातियों को बेल लिया है। बेल के अब मैंने 1 चपाती को यही रहने दिया है और बाकी 3 चपाती यहाँ साइड में है। अब हम करते हैं आगे का प्रोसीजर। ये प्रोसीजर एकदम मेन है। अब चपाती के ऊपर मैंने डाला है 1 स्पून घी। घी की जगह आप चाहो तो ऑयल या डालडे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये है चावल का आटा, ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है। चावल का आटा इस तरीके से छिड़क के पूरे चपाती के ऊपर हमें फैलाना है। ऐसा करने से चपाती में लेयर्स बहुत अच्छे से आएंगे जब हम इसका खाजा बनाएंगे। अब मैंने इसके ऊपर 2री चपाती रखी, उसके ऊपर भी मैंने घी लगाया। अब उसके ऊपर फिर से मैं चावल का आटा लगा रही हूँ। ऐसे ही हम लोग सारी चपाती रेडी कर लेंगे। चावल के आटे की जगह आप कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या वो भी नहीं है तो आप मैदा भी डाल सकते हो, बट चावल का आटा डालोगे तो लेयर्स बहुत अच्छे से बनेंगे। अब एक एक करके मैंने पूरे चपाती रख लिए हैं। अब ये लास्ट वाला चपाती है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के इसका पतला रोटी बना रही हूँ। ये थोड़ा मैदा लगा के जितना पतला बेल सकते हैं उतना पतला इसे बेलना है। इसे जिसके ऊपर हम लोग रोटी बनाते हैं उसके ऊपर तो पॉसिबल ही नहीं है, या तो किचन काउंटर टॉप पे या किसी टेबल को अच्छे से क्लीन करके आप उसके ऊपर ये प्रोसीजर करना। अभी मैंने थोड़ा थोड़ा मैदा लगा के एकदम इसका पतला रोटी बना लिया है। आप देख सकते हैं ये एकदम पतला रोटी बन के रेडी है। आप देख सकते हैं ये रोटी कितनी पतली बनके रेडी है, पता ही नहीं चल रहा है। इसमें 4 चपाती है। अभी मैंने इसके ऊपर फिर से घी डाला है। घी डाल के ब्रश से इसको अच्छे से फैला रही हूँ। फैला के अब इसके ऊपर मैं डालूँगी चावल का आटा। चावल का आटा अच्छे से छिड़क के फिर हम लोग इसको रोल करेंगे। यहाँ पे
पूरा 1/4 कप चावल का आटा लगा। वो डिपेंड करता है कि इससे कम भी लग सकता है, ज़्यादा भी, आपने कितना इस्तेमाल किया। अब अच्छे से फैला के अब एक किनारे से उठाते हुए इसे हम लोग एकदम अच्छे से टाइट रोल करेंगे। ये खाजा बनाने में टाइम थोड़ा सा लगता ज़रूर है, पर ट्रस्ट मी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, और आप जिसको भी खिलाओगे ना उन्हें डेफिनेटली पसंद आएगा, और वो गेस ही नहीं कर पाएंगे कि इसे आपने खुद बनाया या मार्केट से परचेस किया है। अब इस तरीके से मैंने इसका रोल बना के रेडी कर लिया है, और इसके किनारे को थोड़ा सा पानी लगा के मैं चिपका रही हूँ। ऐसे चिपकाने से जब हम लोग तेल में डाल के तलेंगे उस समय ये खुलेगा नहीं। अब मैं इसको अच्छे से थोड़ा सा प्रेस करते हुए रोल कर रही हूँ ताकि इसमें एयर बबल हो तो वो निकल जाए। अब मैंने किनारे से दोनों की कॉर्नर काट लिया है, और एक इंच में साइज में मैं इनको कट कर रही हूँ। एक इंच साइज़ के मैं इनके पीस बना के रेडी कर ले रही हूँ। आपको साइज़ छोटा बड़ा जैसा बनाना है उतना बना सकते हैं। उसके बाद फिंगर से इस तरीके से प्रेस करके बेलन से हल्के हाथों से इसे दबाते हुए बेलना है। आप देख सकते हैं इसमें कितने अच्छे से लेयर बने हैं। अब इसी तरीके से मैंने सारे खाजा बेल के रेडी कर लिए हैं। अब मैंने तेल भी गर्म होने रख दिया है। तलते समय भी हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना है, मीडियम हाई फ्लेम पे ही हमें इन्हें फ्राई करना है। खाजा डालने के बाद तुरंत हमें नहीं पलटना है, जब वो तैर के ऊपर आ जाएंगे तेल के उसके बाद ही हमें हल्के हाथों से इन्हें पलटना है। एकदम जोर जोर से नहीं पलटना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नाजुक है, टूट जाएंगे। इसीलिए हल्के हाथों से धीमी आँच पे पलटते हुए इन्हें गोल्डन ब्राउन होते तक फ्राई करना है। आप देख सकते हैं तेल में फ्राई होते होते ही इसमें कितने ज़्यादा लेयर्स निकल कर दिख रहे हैं। बनने के बाद तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब ये काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब मैंने निकाल रही हूँ। निकाल के सेम इसी तरीके से मैं बाकी के खाजा भी फ्राई करके रेडी कर लूँगी। अब बाकी सारे खाजा भी फ्राई हो गए, मैंने निकाल ले रही हूँ। निकाल के अब हम लोग इसको डालेंगे शुगर सिरप चाशनी में। अगर चाशनी ठंडी हो गई होगी तो उसे थोड़ा सा कुनकुना करना है, एकदम ठंडे चाशनी में हमें खाजा नहीं डालना है। अब एक एक खाजा उठाते हुए हमें शुगर सिरप में डालना है, डाल के अच्छे से एक दो बार ऊपर नीचे पलटना है ताकि जो चाशनी है वो खाजा के अंदर तक जा सके। पलट के इसे हमें ज़्यादा देर चाशनी में नहीं रखना है, 30 सेकंड या ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट बस। उसके बाद इसे हमें निकाल के प्लेट में रखना है। ज़्यादा देर रखेंगे तो ये नरम पड़ जाएंगे, ऊपर से क्रिस्पी नहीं रहेंगे, ओनली जूसी रहेंगे। अब मैं इसको प्लेट में रख रही हूँ ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा शुगर सिरप है वो निकल जाए। इसी तरीके से मैं एक एक करके सारे खाजा को डाल के अलग प्लेट में निकाल के रख रही हूँ। उसके बाद इसे हमें ऐसे ही 1 घंटा खुला रख देना है। 1 घंटे बाद आप देख सकते हैं इसका जो चाशनी है बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं लग रहा है, ऊपर से ये एकदम क्रिस्पी है और अंदर से एकदम जूसी है। अब फाइनली मैं इसे गार्निश कर रही हूँ कटे हुए पिस्ता और रोज पेटल के साथ। अब आप भी ये टेस्टी माउथ मेल्टिंग खाजा बनाइए। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।